हरे कृष्णा। आज के ब्लॉग में हम इस्कॉन नोएडा के भक्ति वेदांत ग्रंथालय का दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पर लगभग 600 प्रकार के बहुत सुंदर ग्रंथ हैं। उन सारे ग्रंथों का हम आपको आंखों देखा हाल यानी कि दर्शन कराएंगे और उनके बारे में बताएंगे भी। देखिए यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है भक्ति वेदांत ग्रंथालय का, वहाँ पर शिला प्रभुपाद के फोटो भी है। तो हम लिए चलते हैं आपको इस भक्ति वेदांत ग्रंथालय के अंदर, जहाँ पर स्थित 600 प्रकार की बहुत सुंदर बुकें हैं। तो बुकों के बारे में आपको दिखाएंगे और बुकों के बारे में आपको बताएंगे भी। हरे कृष्ण। तो भक्ति वेदांत ग्रंथालय के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ लगभग 600 प्रकार की बहुत सुंदर बुक्स हैं, बहुत अच्छे से सजाई गई है। तो इस सारी बुकों का हम आपको दर्शन कराएंगे वन टू वन, आप देखिएगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए आप, सारी लैंग्वेज की भगवद गीता भी रखी हुई है। तो वन बाय वन आप देख सकते हैं, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, भगवद गीता हिंदी में है और इंग्लिश लैंग्वेज में है, और इसका हार्ड बाउंड भी है। यहाँ मराठी लैंग्वेज में गीता दिख रही है हमको, और उर्दू लैंग्वेज में भी गीता है, और इधर कोने पर गुजराती लैंग्वेज में भी गीता है। तो आप एक मिनट पॉज करके रखिए। तो हम आपको यहाँ थोड़ा बताएंगे भगवद गीता के बारे में। आप सभी को पता होगा कि गीता का पूरे विश्व में कितना प्रचार और प्रसार है। आज इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने अभी लगभग 100 से ज्यादा भाषाओं में भगवद गीता को अनुवाद कर डाला है। अर्थात उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने पूरे विश्व में 100 भाषाओं में गीताओं को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन करके अलग अलग देशों तक पहुंचा दिया है। तो ये भगवद गीता की महानता है अपने आप में, और ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा धन है जिसको शिला प्रभुपाद ने विदेशों में भी डिलीवर किया फ्री में। तो ये यहाँ सारी लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में भगवद गीता है। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ उड़िया में, बंगाली में, और यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज में भी भगवद गीता है। तो यहाँ एक आप देख सकते हैं बुक है भगवद गीता की मूलभूत शिक्षाएं। तो इस बुक में बताया गया कि गीता को कैसे पढ़ना है। अगर गीता आपको समझनी है डिटेल में, तो बेसिक्स ऑफ भगवद गीता या भगवद गीता की मूलभूत शिक्षाएं, ये बुक भी आप ले सकते हैं। तो इनसे आपको गीता को समझने में आसानी होगी। और ये हम देख रहे हैं भगवत श्रीमद भागवतम का प्रथम स्कंध। श्रीमद भागवतम बहुत विशाल ग्रंथ है ये, इसमें 18 बुक्स हैं और 12 स्कंध बनते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ पर हम हिंदी का बुक्स आपको दिखा रहे हैं। तो ये इसका प्रथम स्कंध है, तो ये बुक भी यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ 125 साल धरातल पर रहे इस संसार में फिजिकली। तो उनके बारे में एक बहुत सुंदर ग्रंथ है कृष्ण लीला। तो ये सभी भाषाओं में है उपलब्ध, आप भाषा ये हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो सभी भाषाओं में यहाँ वीडियो आपको उपलब्ध है, आप देखिए बुकों को। यहाँ अन्य ग्रंथ भी हैं, आप देख सकते हैं योग पथ, पाथ ऑफ परफेक्शन, कुंती महारानी के बारे में बुक है, टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती, महारानी कुंती की शिक्षाएं, और देवहूति नंदन भगवान कपिल का शिक्षामृत, टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला, और नेक्टर ऑफ डिवोशन, और भक्ति रसामृत सिंधु। ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ हैं, शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, और इनमें भक्ति के बारे में डिटेल में चर्चा की है। यहाँ और भी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं, नामामृत है, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, फाइंडिंग ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, द ड्रामा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, मुकुंदमाला स्रोत, सिलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम वैदिक स्क्रिप्चर्स, धर्मा, ईशोपनिषद, ब्रह्म संहिता, इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता, गीता के बारे में इसमें थोड़ा डिटेल है, और ब्रह्म संहिता भी है यहाँ पर, लाइट ऑफ भागवतम, और धर्मा एक बुक दिख रही है, और वैदिक शास्त्रों से चुने हुए श्लोक, मुकुंदमाला स्रोत, जगन्नाथ प्रिय नाटकम, और जीवन का स्रोत जीवन, मोह तथा संशय से परे, खोए हुए आनंद की पुनः प्राप्ति, आत्मा का प्रवास। तो इस तरीके से हम सारी बुक्स आपको दिखा रहे हैं, या चैतन्य भागवत भी है। और इन सारी बुकों के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है, तो इस वीडियो को आप पॉज करके बुक्स का नाम लिख सकते हैं, उसको बाद में आप ले भी सकते हैं ग्रंथालय में आके। तो आप जस्ट हम बुक्स का आपको फोटो दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सारी बहुत सुंदर बुक्स हैं, शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए लगभग 100 से ज़्यादा ग्रंथ हैं।
और ये लगभग 100 या 80 भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश भाषा में ये बुक्स हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो बहुत सुंदर बुक्स हैं। देखिए ये बेस्ड उन सारे बुक्स जो हैं शास्त्र पे ही हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता और जितने उपनिषद हैं 108 और पुराण हैं, उन सब का कलेक्शन है। और अलग अलग टॉपिक पे श्रील प्रभुपाद ने इनको बहुत सुंदर तरीके से, आजकल के लोग जो मॉडर्न दुनिया है वो जो सब जा रही है दूसरे मार्ग में, वो कैसे भगवान की तरफ आ सके और अपने जीवन को लक्ष्य को जान सके और इजिली इन बुक्स को पढ़ के इस सनातन धर्म को और भारत की संस्कृति को कल्चर को समझ सके, इसलिए ऐसे टाइटल्स दिए गए हैं। अन्य भी ग्रंथ हैं जो श्रील प्रभुपाद इसको उनके फाउंडर आचार्य उनके अन्य जो डिसाइपल्स हैं जो शास्त्र को पढ़ने में शास्त्र को समझने में अत्यंत निपुण हैं उनके द्वारा भी कुछ बुक्स यहाँ लिखी गई हैं, वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग पब्लिकेशन वाइज इसको उनकी अलग अलग पब्लिकेशन वाइज बुक्स हैं, जैसे जगन्नाथपुरी एक बुक है आप देख सकते हैं। तो अगर यदि कभी आप जगन्नाथपुरी गए तो ये बुक अगर आप साथ में लेके जाते हैं तो आप जगन्नाथपुरी धाम के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ग्रंथ दिख रहा है हमको यहाँ पर, परफेक्ट लव। वैसे तो संसार में सब लोग लव के पीछे लगे रहते हैं, वास्तव में सही लव क्या है, सही प्रेम क्या है, इस बुक में बताया गया है। और उसके नीचे एक बुक और दिख रही है हमको, अनोखा सफर, राधानाथ स्वामी के बारे में है ये बुक। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली बुक है सारे विश्व में, बहुत ज़्यादा मांग है इसकी। और बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि कैसे एक साधु, अमेरिकन साधु भक्त बन जाता है, उसके बारे में बहुत सुंदर बुक है, उनकी एक बायोग्राफी आप बोल सकते हैं राधानाथ स्वामी की। और उसके अलावा छोटे और भी ग्रंथ हैं जिसमें चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, भागवतम से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को रिसाइट करने के लिए बताया गया है। और भी बहुत सुंदर टाइटल्स हैं, जपा है, वॉट्स योर चॉइस एंड हैंड ऑफ गॉड। और यहाँ पर एक बुक है आप देख सकते हैं, भागवत कॉस्मोलॉजी। तो ये सृष्टि का क्रिएशन कैसे होता है, ये कॉस्मोलॉजी के ऊपर पूरा डिटेल में बहुत सुंदर बुक है, आप इसको भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ एक गीता तो वैसे हमने दिखाई आपको, उद्धव गीता भी होती है, वो गीता भी यहाँ उपलब्ध है आप देख सकते हैं इंग्लिश में। और एक बुक है आर यू कनेक्टेड, और जैसे हमने एक बुक का नाम आपको बताया था अनोखा सफर, तो उसी की इंग्लिश है ये बुक, बहुत फेमस है द जर्नी होम। ये हमने जैसे आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, हु इज सुप्रीम, आप इधर देख सकते हैं। अन्य और भी बुक्स हैं, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स को लगाया गया है अलग अलग रो में, लैंग्वेज वाइज और पब्लिकेशन वाइज। बहुत सुंदर टाइटल है, करुणा के सागर, और रामायण स्वरूप लीला के ऊपर भी अलग अलग 1, 2, 3 पार्ट्स में ऐसे बुक्स हैं, वो भी यहाँ हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तम श्लोक एक बुक है, बहुत सुंदर बीच का सीजन एक बुक है। और एकादशी के बारे में ये बुक है, जो एकादशी व्रत होता है, माधव तिथि बोलते हैं एकादशी को, तो ये एकादशी की महिमा के ऊपर बहुत सुंदर बुक है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं इस्लाम और वेदाइक बुक है, और उसकी इंग्लिश में भी ऊपर एक बुक है सेम। और ये अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पर 2 भाषाओं में बुक्स उपलब्ध हैं। ये सुंदर बुक्स हैं, जैसे इनके टाइटल इतने सुंदर हैं, आप सभी ये रामायण के ऊपर बुक्स हैं, ये शुभ विलास प्रभु के द्वारा लिखी गई एक बुक है, रामायण का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा, बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 बुक नंबर 3 ऐसे अलग अलग 5 भागों में ये बुक है। ये बुकों के टाइटल इतने आकर्षित हैं, इतने सुंदर हैं कि अगर इन बुकों के टाइटल्स को पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर जो भी भगवान से रिलेटेड और धर्म के बारे में जो भी आपके मन में प्रश्न है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं। आनंद की ओर, माया की मार, मन की मांग, मन की मनमानी, तो इस तरीके से बहुत सुंदर ग्रंथ है यहाँ। जस्ट ये इस वीडियो के माध्यम से बुकों को हम दिखा पा रहे हैं आपको, एक सुंदर बड़ी बुक है, डायरी जैसी लग रही है, रजिस्टर जैसा, बम्बई इज माय ऑफिस, ये इसको उनके फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद
ने बम्बई में जब इस्कॉन मंदिर बनाया, बहुत संघर्ष किया, उसके बारे में काफी डिटेल में ये बुक है, कैसे इस्कॉन वहाँ आया, और माई प्रभुपाद और कुंभ, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, शिक्षाष्टकम, प्रसाद या पाप, एक बुक बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए संस्कृत प्रोनाउंसिएशन एक बुक है, आज संस्कृत कोई भी जानता नहीं है, और जिस किसी को भी संस्कृत अगर सीखनी है तो इस बुक से वो कैसे उच्चारण करना चाहिए वो सीख सकते हैं। भू वैकुंठ एक बुक है पंडरपुर धाम के बारे में, कुंभ के बारे में बुक है, और एक बुक यहाँ बड़ी मोटी तकड़ी बुक है पदयात्रा वर्ल्ड वाइज, पदयात्रा इस्कॉन के द्वारा ये पदयात्रा निकलती है, उसमें दो बैल होते हैं और कुछ भक्त होते हैं संकीर्तन करते हुए, पूरे घर गांव गांव शहर सब जगह जाके ये हरि नाम का प्रचार करते हैं। और उसके नीचे वाले रूप आप देखिए, बहुत ही सुंदर बुक है ब्रजमंडल दर्शन, ये दोनों भाषाओं में है, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, पूरे 84 कोस जो ब्रजमंडल है उसकी परिक्रमा कैसे करनी है इस बुक में बताया गया है, और मैप के साथ हर दिन पूरे महीने भर में 30 दिन कैसे परिक्रमा करना है वो सारा बताया है। अगर इस बुक को साथ में लेके कोई ब्रजमंडल की परिक्रमा 84 कोस की करता है तो वो अच्छे से परिक्रमा कर पाता है और परिक्रमा के महत्व को समझ पाता है, और कैसे आचार्यों ने परिक्रमा के बारे में बताया है, और वृंदावन की महिमा और भगवान की सुंदर लीलाओं और लीलास्थलियों के बारे में सुंदर तरीके से समझ सकता है। यहाँ भी कुछ सुंदर ग्रंथ है आप देख सकते हैं, प्रेमा अवतार चैतन्य महाप्रभु, ये एक बुक है आप यूथ के लिए स्पेशली, यूथ ऑफ इंडिया, भारतीय नवयुवकों को संदेश, भारतीय नवयुवकों के लिए संदेश इस बुक में बताया गया है, बंसीदास बाबा जी महाराज एक हैं संत उनके बारे में, और योगी प्लेट एक बुक का नाम है, हाउ आई अचीव्ड रियल सक्सेस एक बुक है, बहुत सुंदर टाइटल है इसका भी, और इसे छोटी छोटी बुक्स भी हैं, पारंपरिक भारतीय जीवन की एक झलक जैसे हम टाइटल पढ़ पा रहे हैं, इनर चेंज एक बुक का नाम है, दिखा सकते हैं दर्शकों को, और भी यहाँ सुंदर बुक्स हैं आप देख सकते हैं, जीके फॉर पीके, 10 लीडरशिप सूत्राज एक बुक का नाम है। और एक खास बात है कि सब लोग स्वीट पसंद करते हैं, तो इंडियन स्वीट की कैसे बनाएं, द आर्ट ऑफ इंडियन स्वीट ई बुक में बताया गया है इंडियन स्वीट की क्या आर्ट है बनाने का, और ऐसे बहुत सारे बुक्स और भी हैं हम जितना आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ, डिवोटीज ऑफ कृष्णा, कैसे भगवान के भक्त कैसे होते हैं कौन होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। और एक बुक है बहुत सुंदर टाइटल है, आप सभी इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, तो ऐसे सुंदर टाइटल्स हैं बुक्स के। एक बुक का टाइटल आप देखेंगे तो बहुत सुंदर टाइटल है, द आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग सब लोग करते हैं दुनिया में, बहुत लोग करते हैं, टीचर बनना भी चाहते हैं, तो कैसे टीचिंग करना उसके बारे में इसमें बताया गया है, बहुत सुंदर बुक है। और इधर देख लीजिए, और एक बुक है कृष्ण भावना में ब्रह्मचर्य, और बहुत सुंदर बुक्स और भी है आप देख सकते हैं सारी बुक्स, एक शीला प्रभुपाद के बारे में एक बुक है, शीला प्रभुपाद की सेवा में प्रचार प्रबल टीचिंग, जो इस्कॉन का अपना एक प्रचार का मिशन है उसके बारे में शीला प्रभुपाद के उपदेश और उनके अनुसार ये बुक है। एक बुक है सरेंडर अन टू मी, भगवदगीता पर बेस्ड है बुक्स, भगवदगीता को समझने के लिए बहुत सुंदर बुक है। और ऐसे बच्चों के सेक्शन तक जाएंगे तो उसे पहले इसको, इतना ही नहीं यहाँ पर बच्चों का भी अलग से सेक्शन है, चिल्ड्रन सेक्शन है, उसमें देखिए बहुत सुंदर बुक है वेयर इज हनुमान, तो इस तरीके से बच्चे इसमें हनुमान कहाँ कहाँ है ढूंढ सकते हैं, एक बहुत सुंदर बुक है देख सकते हैं। और बच्चों का अलग से यहाँ सेक्शन बना हुआ है, अभी हम अब ये चलेंगे बच्चों के बुक्स के ऊपर, चिल्ड्रंस बुक्स के ऊपर, कलरिंग बुक्स हैं बहुत सुंदर आप देख सकते हैं, गोविंद माधव एक बुक का नाम है, देखिए इसमें कलरिंग कर सकते हैं, भगवान की सुंदर पिक्चर्स हैं इसमें अलग अलग, बैक साइड में बताया कि कैसे कलर करनी है, जो अंदर बुक्स के अंदर अलग अलग भगवान की पिक्चर्स हैं
इसे बहुत सुंदर टाइटल है, जस्ट हम अपने कैमरामैन को बोल रहे हैं कि आपको बुक के टाइटल दिखा सकते हैं, आप देख के समझ सकते हैं। भक्त वत्सल कृष्णा, कृष्ण लीला, कृष्ण बलराम और गोकुल लीला, गोपाल मल्टी एक्टिविटी, कृष्ण मल्टी एक्टिविटी, नटखट गोपाल और दामोदर, नॉटी दामोदर, कृष्णा माखन चोर, और भी कुछ बुक्स हैं यहाँ बच्चों के लिए। उसमें स्टोरी, कुछ बच्चों की स्टोरी टाइप की बुक्स भी हैं, आप देख सकते हैं। कुछ और ज़्यादा कलरिंग बुक्स हैं, ये स्टोरी वाली बुक्स हैं, हाई ग्रीवा भगवान का अवतार, किंग अम्बरीशा, उड़पी कृष्णा, दशावतार, भगवान के दस अवतारों के बारे में, और इस तरीके से बहुत सुंदर बुक्स हैं यहाँ। टाइटल बुक का आपको दिखा रहे हैं और बुक का पिक्चर दिखा रहे हैं, तो बुक के पिक्चर के द्वारा आप उसको पढ़ सकते हो, और फिर फ्यूचर में अगर आपको बाय करनी हो तो यहाँ ग्रंथालय में आकर आप ले भी सकते हो, या ऑनलाइन इस बुक को सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सुंदर चार्ट है, एक बड़ा पोस्टर है, उसमें गोलोक सचित्र वर्णन लिखा है ऊपर। तो गोलोक वृंदावन धाम कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं, हम किस लोक में रहते हैं, ये प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में है बेसिकली ये पोस्टर। तो इसमें नीचे सबसे नीचे दिखाया गया है 14 लोक, मृत्यु लोक और उसके ऊपर के लोक और नीचे के लोक, और कैसे इस चार्ट में बताया गया, इस चार्ट के माध्यम से, कि कैसे कोई भी भगवान के नाम का जप करके अंत में भगवान का टॉप मोस्ट जो धाम है गोलोक में कैसे पहुँच सकता है, और उसके साथ साथ अलग अलग प्लैनेट्स जो है, जैसे नीचे जो मैटेरियल वर्ल्ड है, फिर ब्रह्म ज्योति, फिर बाद में उसके ऊपर अयोध्या, फिर आते आते अंत में ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है जहाँ भगवान रहते हैं। तो ये पूरा प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में सुंदर चार्ट है, ये भी यहाँ उपलब्ध है। तो हरे कृष्णा, हमने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से वीडियो दिखाई, आपको सारी बुकों के दर्शन कराए। इसके अलावा कभी यहाँ स्वयं आके इस ग्रंथालय में आके विजिट करना चाहते हैं, बुक्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ का एड्रेस भी हम आपको बता रहे हैं। तो जस्ट एक बार हम आपको कैसे बुक्स यहाँ सजाई हम दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, तो हम यहाँ का एड्रेस आपको बताएंगे। यहाँ का एड्रेस है A5 सेक्टर 33 नोएडा, नोएडा में यहाँ पर जो फ्लाईओवर है इसके जस्ट सामने NTPC का बहुत बड़ा एक NTPC ऑफिस है, उसके अपोजिट साइड में सामने ही बिल्कुल ये इस्कॉन मंदिर है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर में बहुत ही सुंदर ग्रंथालय है, भक्ति वेदांत ग्रंथालय, तो यहाँ से आप बुक्स खरीद सकते हैं और यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ये आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और ये बुकों के बारे में हमने आपको दिखाया, और बुक्स के नाम भी आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्यूचर में आप परचेज भी कर सकते हैं और यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।